अर्थ का नया स्वरूप। जी हाँ, इसमें रूप ने समाज के ठेकेदारों को तो चुप करा दिया, जी हाँ, अपनी बहन की दूसरी शादी करा के। लेकिन कई बार समाज को चुप कराना और उनको मनाना आसान होता है और घर वाले ही ज्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं। अब इस शादी में रूप के पिताजी ही शामिल नहीं हुए। उम्मीद तो ये है कि जल्द ही रूप अपने पिताजी को भी मना ही लेंगे। रूपेंद्र की सहमति से आज उसकी बहन जिग्ना की दूसरी शादी मुमकिन हो पाई है, जिसे वो चाहती है, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। आज वो उसका जीवन साथी बन गया है और ये सब रूप के नए विचार से मुमकिन हो पाया है। हर किसी को अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने का या दूसरी जिंदगी शुरू करने का पूरा पूरा हक होता है, और इसलिए मैं जिग्ना बहन की शादी करवा रहा हूँ अनीश जी से, जिनसे वो बेहद प्यार करती है और अनीश जी भी जिग्ना बहन से बेहद प्यार करते हैं। अब लड़की की शादी है, माहौल थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि यहाँ पर बाप जी नहीं आए हैं, वो जिग्ना की दूसरी शादी के खिलाफ थे। हाँ, दुख है। आप बताइए, आपको कितना दुख हो रहा है कि हमारे ससुर जी नहीं आए हैं? घर का कोई मेंबर अपना आशीर्वाद ना दे तो दुख तो डेफिनेटली होता है। दुख तो होता ही है जब बड़ों का आशीर्वाद ना हो किसी भी शुभ कार्य में। और कुछ ऐसा ही सोचना इन गांव वालों का भी है जो यहाँ पर समाज के ठेकेदार बनकर आए हैं जिग्ना की शादी रुकवाने के लिए। अब रूप जानता था कि गांव वाले कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे, इसीलिए तो उसने पहले से ही पूरा बंदोबस्त कर रखा था। मुझे कुछ लगा था, कुछ एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं, बोलते ना कि हर अच्छे काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़ंगा जरूर होता ही है, तो मुझे अनुभव था पहले इन लोगों का, पंचायत का पहले भी, कि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ कुछ रोड़ा डालने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग आए हुए हैं और फिर मैंने इनको मीडिया से मुखातिब करा दिया और फिर आपको तो पता है मीडिया की पावर क्या है आज की तारीख में, तो लोग कुछ कर नहीं पाते उस चक्कर में। अब सीन में बाप जी नहीं है, सबको अफसोस है, लेकिन किंजल मैडम का तो कुछ और ही कहना है। दूल्हा और दुल्हन को भी दुख हो रहा होगा जितना कि हमें हो रहा है। लग तो रानी यहाँ से जा रहे, इतने बहुत खुश है। सेकंड शादी आफ्टर ऑल गोली वोली खाने के बाद शादी सक्सेसफुल हो गई है, दूसरी शादी है, तो हमारी जिग्ना ने एक एग्जाम्पल सेट किया, तो फूले नहीं संभाल जा रही है। अरे भाई, सही भी तो है, शादी का माहौल है तो ऐसे में सबको खुश ही तो रहना चाहिए। जिग्ना के दुख भरे दिन बीत गए क्योंकि उसके भाई रूप ने उसकी जिंदगी में खुशियां ले आया है। हाँ, एक्चुअली जिग्ना की शादी ना बहुत मुसीबतों के बाद हो रही है, तो जिग्ना इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि फाइनली बहुत मुसीबतों से लड़ने के बाद उसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। नहीं, एक मौका ऐसा बीच में आता है जब वो बाप जी को मिस करती है, पर क्योंकि उसके साथ उसकी माँ है, उसके भाई है और ये किंजल है, इसलिए वो फिर वापस खुश हो जाती है सब लोगों को देख के कि एक नहीं है तो बाकी सब उसके साथ है। उसने साबित कर दिया है कि वो एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा और अच्छा भाई है, इसीलिए तो इशिका मैडम उस पर जान छिड़कती है। देखिए ना, शादी के मंडप में भी उसे अपने पति पर कितना प्यार आ रहा है। ऑलवेज रूप इज अ गुड हस्बैंड, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सन, हर चीज़ में बेस्ट ही होता है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है। इनफैक्ट कन्यादान भी मुझसे करवाया पंडित जी ने, तो वो भी किया मैंने आज। अब कहते हैं ना कि अच्छा काम करना था सो कर दिया, अब वो दिन भी दूर नहीं है जब बाप जी भी सारी बातों पे सहमति दे देंगे। रूप और घर वालों को उसी पल का इंतजार है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।